झुंझुनू की खेतड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू की खेतड़ी से एक लुटेरी दुल्हन परिवार का सब कुछ समेटकर फुर हो गई। परिवार के लोग सोते रहे और दुल्हन शादी के 15 दिन बाद ही फरार हो गई। अब पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया, जिसमें न केवल दुल्हन बल्कि दलालों की तलाश भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक खेतड़ी थाना इलाके के ढाणी बैचावाली प्रतापपुरा निवासी 26 साल के हेमराज गुर्जर ने थाने में FIR दर्ज करवाई है कि जुलाई माह में इलाकर के सतीश से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने हेमराज की शादी कराने की बात कही, लेकिन कहा कि शादी का खर्च देना होगा, जिस पर हेमराज राजी हो गया। इसके बाद 27 अगस्त को सतीश का फ़ोन आया कि शादी के लिए लड़की मिल गई है, वह फ़ोन करे तो 5-7 लोग लेकर आ जाना, शादी करवा दूंगा। इसके बाद सतीश का 4 दिन बाद फिर 31 अगस्त को ही फ़ोन आया कि 1 सितंबर को नारनौल आ जाना। हेमराज अपने परिवार और जानकार लोग लेकर नारनौल पहुँच गया, जहाँ पर सतीश और उसकी माँ बनारसी देवी के साथ साथ नारनौल की सीमा नाम की महिला थी। तीनों उन्हें लेकर पंजाब पहुँचे और एक होटल में ठहरा दिया। यहाँ पर लड़की दीप कौर के परिजन मिलने आए और तय हुआ कि 2 सितंबर को मंदिर में फेरे लेने के बाद कोर्ट में शादी होगी। 2 सितंबर को फरीदकोट पंजाब के एक मंदिर में फेरे लिए और फिर कोर्ट में जाकर शादी का शपथ पत्र लिखा गया। हेमराज अपनी दुल्हन दीप कौर को लेकर गाँव पहुँच गया और एक बहू की तरह उसका स्वागत सत्कार किया गया। दीप कौर हंसी खुशी से घर में रह रही थी, लेकिन 16-17 सितंबर के दरमियान रात को जब परिवार के लोग सो गए तो वो पीछे से घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। देर रात जब हेमराज उठा तो दीप कौर गायब थी, जिसने पहले तो गांव में तलाश किया, फिर दलाल सतीश और बनारसी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका तो काम ही लूटना है। अब हेमराज ने तीनों दलालों और अपनी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। हेमराज ने FIR में लिखा कि दीप कौर ने उस रात को खाना बनाया था, जिसके कारण परिवार के सभी लोग न केवल समय से पहले सो गए बल्कि उनकी नींद इतनी गहरी थी कि उसके भागने और सामान समेटने का पता तक नहीं चला। आपको बता दें कि झुंझुनू में यह कोई नया मामला नहीं है, लेकिन पैसे देकर दुल्हन लाने वाली अधिकतर दुल्हन लुटेरी निकलती है, फिर भी भोले भाले लोग ऐसी दुल्हनों के चक्कर में फंस रहे हैं।